एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, पीटी ऑफिस पर प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही, रेस्क्यू किए गए बालकों के पुनर्वास और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रयास करें कि कोई भी बच्चा दोबारा रेस्क्यू की जाने वाली जगह पर ना पहुंचे और जो भी समस्या आ रहे हैं उनका समाधान एसपीओ के माध्यम से प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, विशेषज्ञ बाल संरक्षण, पूर्व वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, अभियोजन अधिकारी, कारागार विभाग, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, यूनिसेफ, चाइल्ड लाइन, शेल्टर होम, स्नेहालय, सेफ सोसाइटी के सदस्य एवं थाना एएचटी व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ इंटीग्रेटेड रूप से इसी नाते बुलाए जाते हैं, लेकिन जब वो जो कहीं है ना कि रेस्क्यू किया जाता है फिर तीन दिन बाद चले। मेरे पास कोई डाटा नहीं आया कि उनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए उसको कस्तूरबा से जोड़ दिया गया, उसको फलाई योजना से जोड़ दिया गया, उसको फलाई योजना से जोड़ दिया गया। अभी आप जो बात कही है इसे उसको लेकर अगर पांच ही मॉडल बना देती तो एसपी क्राइम साहब हम लोग कह सकते थे कि बच्चों के एसजेपी और एसटीयू मीटिंग में पांच डेमो बालक है जिनको हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की। तो उनसे उन्होंने मुझे बताया कि उनकी संस्था मतलब बच्चों के मामले में काम करती है और माइक्रो फाइनेंस से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करती है। तो मैंने उनसे इस बात पर चर्चा की, जो हमारे बच्चे रेस्क्यू किए आते हैं उनको हम तभी उनको बाल श्रम से मुक्त कर सकते थे जब उनकी फैमिली जो है इकोनॉमिकली साउंड हो, इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग हो। जब वो इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगी तो फिर उनके बच्चे फिर चार दिन बाद वहीं सड़क पर नजर आएंगे, उसी ढाबे पर नजर आएंगे और उसी दुकान पर नजर आएंगे। तो मतलब मैं तो मुझे लग रहा है कि अगर हम क्योंकि एस टी मेडिकल में है, मैं देख रही हूँ उसको, तो मुझे लगता है अगर एक बार एक बच्चे को अगर रेस्क्यू कर लिया तो कम से कम उसके भविष्य में चेंज आ जाना चाहिए। इस तरह के बच्चे मिल रहे हैं तो उनको हम लोग इंडिविजुअली लेवल से जा करके एक या दो बच्चे बच्चियों को कस्तूरबा में एडमिशन करा पाए, सिर्फ एक या दो करा पाए। दूसरी बात है कि जो रेस्क्यू टीम जाती है वो रेस्क्यू किए गए बच्चों का उपयुक्त पता, एग्जैक्ट माता पिता का नाम इत्यादि नहीं हो सकता है। क्या हम उसके पापा को जेल में से उसके सर पर दरवाजा लगा देते हैं? हमारा उद्देश्य बता रहे हैं स्कूल वगैरह उसमें हम उसको शिफ्ट करते हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं बच्चे को हम एक तो एजुकेशन और जो फ्री एजुकेशन है यूनिफॉर्म ग्राउंड फीस वगैरह सब कुछ खाना आपको जानकारी होगी। अगर सर से पुलिस वालों का भी काम है तो देखते रहेंगे बच्चों की आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है ये एसजेपीयू और एएसटीयू की मासिक बैठक है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आते हैं और जो बच्चे हमारे रेस्क्यू किए जाते हैं एसटीयू के द्वारा, जो बाल श्रमिक हैं या जो अनाथ बच्चे ऐसे सड़कों पे पाए जाते हैं उनके पुनर्वास के संबंध में आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा हुई। और जो श्रम विभाग और सरकारी योजनाएँ हैं जो ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए हैं, चाहे उनके एजुकेशन संबंधित हो या उनको इकोनॉमिकली रिहैबिलिटेट करने की बात हो, उनके पेरेंट्स को इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन बनाने की बात हो, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही जो विवेचकगण हैं पॉक्सो एक्ट के और जेजे एक्ट के, उनको क्या समस्याएं आई हैं उस पर चर्चा हुई है। इस प्रकार इस और जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है यहाँ पे। तो इस तरह से एक विस्तृत चर्चा हुई है बच्चों के संबंध में और ये प्रयास है कि हम जो बच्चे रेस्क्यू करते हैं उनको हम पुनर्वासित कर सकें ताकि वो पुनः
दोबारा जहाँ से हमको रेस्क्यू कर रहे हैं, चाहे वो ढाबे हो या सड़क हो, वहाँ पे दोबारा ना दिखें, और एक अच्छे भविष्य उनके लिए इंश्योर कराना, ये हम लोगों का आज चर्चा का विषय रहा है। हाँ, ये दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके इस दिशा में प्रयास करें कि कोई भी बच्चा दोबारा जहाँ से रेस्क्यू किया गया वहाँ ना पहुँचे, और जो विवेचकगण हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि वो समयबद्ध तरीके से जो पॉक्सो एक्ट की विवेचना है उनका निस्तारण करें, और जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान जो SPOs हैं उनके माध्यम से प्राप्त करें, और CWC के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको बना के रखें ताकि कोई समस्या ना आए भविष्य में।